चलो तो क्वेश्चन पे शिफ्ट करते हैं हम। ओके, पहला सवाल। तो जिस टॉपिक के लिए जो सजेशन मैं दूंगी उस सजेशन को मानते चलिए, वो टॉपिक आपका रेडी होता रहेगा। इसको प्रैक्टिस करके याद कीजिए, याद हो जाएगा। बिना पेन उठाए, बिना पेपर के मदद लिए ये टॉपिक नहीं, मतलब दिमाग में नहीं बैठने वाला है। जिल AP-X1 ज्यादा अभी प्रोड्यूस हुआ तो उसका इंट्रैक्शन तो हो नहीं पाएगा, राइट? तो मोस्ट चांसेस हैं कि जो एक्सप्रेशन जैसा हो रहा है वैसा ही होगा, बस इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि AP-X1 ज्यादा एक्सप्रेस कर रहा है, लेकिन उसका एक्सप्रेशन जब तक उसके लिगेंड नहीं मिलेगा तब तक तो उसका एक्सप्रेशन कुछ जस्टिफाई नहीं कर पाएगा। विजयपुरा, आपके मैसेज दिख रहे हैं मुझे। जब तक आपको बोला ना जाए तब तक प्लीज आंसर कमेंट सेक्शन में मत दीजिएगा, पहले भी बताया गया है। चलिए आंसर बताइए। ओके, तो देखते हैं, मल्टीपल आंसर आए हैं, क्या बोला गया है यहाँ पे। क्वेश्चन इज द जाइगोट ऑफ सी एलिगन एग्जिबिट अ रोटेशनल क्लीवेज व्हेन द फर्स्ट टू ब्लास्टोमियर फॉर्म्ड P1 एंड P2 आर एक्सपेरिमेंटली सेपरेटेड। दोनों को एक्सपेरिमेंटल तरीके से सेपरेट आउट कर दिया गया है। बोला गया है क्या आउटकम पॉसिबल है, आपको बताना है ट्रू स्टेटमेंट। पहला, द P1 सेल इन आइसोलेशन जनरेट ऑल द सेल इट वुड नॉर्मली मेक शोइंग द ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन। एकदम सही बोला है, ट्रू है ये। दूसरा है, P1 सेल इन आइसोलेशन जनरेट ऑल द सेल इट वुड नॉर्मली मेक शोइंग द कंडीशनल स्पेसिफिकेशन। गलत। द AB सेल इन आइसोलेशन जनरेट स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ सेल टाइप इट वुड नॉर्मली मेक शोइंग द कंडीशनल स्पेसिफिकेशन। ट्रू। द AB सेल विल शो द ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन। नो। देखा जाए तो A and C यहाँ पे सही हो जाता है, दैट इज फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है। ठीक है, चलो अगला सवाल। अनामिका जी, अभी पोल पे काम चल रहा है, राइट? तब तक हम जमीन पे रहकर डांस कर लेते हैं, जब पोल आएगा तो फिर पोल पे डांस करेंगे। क्या बात है, कुछ बच्चों के कान पे जो है जूही नहीं रेंगती है, कितना भी बोल लो, दे आर लाइक हम तो वही करूंगा जो हमको मन कर रहा है, चाहे कोई कुछ भी बोल ले। चलो आंसर बताओ कमेंट सेक्शन में। चलिए देखते हैं, मल्टीपल आंसर्स मिले हैं, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, चलिए देखते हैं। फॉलोइंग स्टेटमेंट वेर मेड रिगार्डिंग द वल्वा डेवलपमेंट इन सी एलिगन। ठीक है, आपको क्या बताना है, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। पहला ऑप्शन, The six vulva precursor cell are influenced by the anchor cell to form the equivalence group. एकदम सत्य वचन बोला गया है, true, right? Next, in the loss of function of lint 12 का loss of function हो जाता है, तो lint 12 mutant में both cell become the uterine, whereas in gain of function mutation both become anchor cell. ये तो पूरा उल्टा बोल दिया है ना, loss, क्योंकि lint 12 की जरूरत नहीं होती है anchor cell बनाने के लिए, तो अगर लॉस ऑफ फंक्शन हुआ है तो दोनों सेल को एंकर सेल बनना चाहिए, और गेन ऑफ फंक्शन में क्या होना चाहिए, दोनों को प्रिकर्सर यूट्रिन प्रिकर्सर बनना चाहिए। बट ये तो पूरा उल्टा बोला है, बी गलत, तो फिर ये गलत, फिर ये भी गलत। बचे हुए ऑप्शन में सी कॉमन है, बचे हुए ऑप्शन में डी भी कॉमन है, मतलब सी डी हर हाल में सही होगा। चलिए देख लेते हैं क्या बोला गया है। इफ द एंकर सेल इज डिस्ट्रॉयड अर्ली इन द डेवलपमेंट ऑल द सिक्स VPC डिवाइड वंस एंड कंट्रीब्यूट टूवर्ड द फॉर्मेशन ऑफ हाइपोडर्मल सेल। एकदम सही पढ़ाया गया है, सेम टू सेम स्टेटमेंट पूरा पढ़ाया गया है आपको। द एंकर सेल और वेंट्रल यूटरिन प्रिकर्सर डिसीजन इज ड्यू टू द नॉच डेल्टा मीडिएटेड मैकेनिज्म ऑफ रिस्ट्रिक्टिंग एडजेसेंट सेल फेट। बिल्कुल, क्योंकि जो लिंट 12 एक्सप्रेस करता है वो लैग 2 नहीं करता, और बोल देता है कि भाई मैं लिंट 12 कर रहा हूं, तू लिंट 12 मत कर, तू लैग 2 कर। इसको ही हम बोलते हैं क्या, दैट इज रिस्ट्रिक्टिंग द एडजेसेंट सेल फेट, यानी जो मैं कर रहा हूं वो तू मत कर, जो तू कर रहा है वो मैं नहीं करूंगा। ठीक है, तो ये चीज किस पे होती है, ये एकदम सही बोला गया है। अच्छा, डेल्टा नॉच पाथवे पे मैंने आज ही एक डिटेल वीडियो बनाया है टीचिंग पाठशाला पे। ठीक है, स्पेशली वो बच्चे जो कि इस पाथवे को और डिटेल में पढ़ना चाहते थे सेलुलर लेवल पे, तो वो मैंने बना रखा है। आप में से जिन भी बच्चों को इंटरेस्ट होगा आप वो डिटेल वीडियो देख सकते हैं, आज ही सुबह सुबह उसको मैंने रिलीज किया है। ओके,
नेक्स्ट है द पैराकाइन फैक्टर सिक्रेटेड बाय द एंकर सेल डायरेक्टली एक्टिवेट द नॉच डेल्टा पाथवे. पैराकाइन फैक्टर जो सिक्रेट करता है एंकर सेल वो डायरेक्टली एक्टिवेट करता है नॉच डेल्टा पाथवे. इज दैट सो? हाँ जी, क्या ये स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल नहीं. पैराकाइन फैक्टर सिक्रीट होकर नॉच डेल्टा पाथवे कैसे बनेगा भाई? नॉच डेल्टा पाथवे के लिए डेल्टा चाहिए. पैराकाइन फैक्टर सिक्रीट होगा मतलब पैराकाइन सिग्नलिंग चलाएगा. तो अगर देखा जाए तो ई गलत है, ए सही है, सी सही है और डी सही है. तो ए सी डी यानी पहला ऑप्शन सही हो जाता है. थोड़ा सा और टाइम दे क्वेश्चन के लिए. अच्छा ठीक है, और टाइम दे देते हैं, बट थोड़ा जल्दी जल्दी कीजिए क्योंकि यहीं से आपका प्रैक्टिस बनेगा और उसी स्पीड के साथ आप एग्जाम में भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. चलो एक काम करती हूँ, मैं टाइमर चला देती हूँ. काजल और विनीता जी, आपको कुछ तूफानी करने का मन कर रहा है आज? आज कुछ तूफानी करते हैं? वेंकट, कोमल, ममता, डिड आई मेंशन यू गाइस? डिड आई आस्क यू फॉर द आंसर? एक ही बात को कितनी बार मैं बोलूं बताइए जरा. नो यूज, लिटरली नो यूज. चलिए बताइए आंसर. विजयपुरा, आप अपने ऐप को एक बार अपडेट कर लीजिएगा या अपना नेटवर्क चेक कर लीजिएगा. सभी बच्चों को उठा के जो है मैंने वीरेंद्र सर की क्लास में भेज देना है. थोड़ी किडनी छन्नी हो जाएगी, फिर वापस चले आइएगा. घायल किडनी के साथ बड़ा अच्छी होगी. टी एलिगन एम्ब्रियो यूजेस बोथ ऑटोनोमस एंड कंडीशनल मोड ऑफ स्पेसिफिकेशन. Conditional specification at four cell stage can be seen in the development of endodermal cell lineage and also in establishment of dorsal ventral axis. Following are few statement regarding this. Kuch statement hai iske regarding, aapko batana hai kaun sa statement sahi hoga. Pehla, if P2 cell is removed at early four cell stage, the EMS cell will divide into two MS cell and no endoderm will be made. एकदम बहुत ही क्यूट सा स्टेटमेंट दे दिया है इन्होंने, एकदम सही स्टेटमेंट, बिना कुछ फंसाने वाला. तो ये स्टेटमेंट सही हो गया. नेक्स्ट, इन पॉप वन डेफिशियंट एम्ब्रियो बोथ EMS डॉटर सेल विल बिकम ई सेल. ये भी एकदम क्यूट सा स्टेटमेंट दे दिया, एकदम सही, ट्रू. नेक्स्ट, व्हेन द पोजीशन ऑफ ABA एंड ABP वाज रिवर्स्ड, देयर फेट गेट रिवर्स्ड एंड नो नॉर्मल एम्ब्रियो फॉर्म. अरे भाई नॉर्मल फॉर्म होगा तो नो क्यों बोल दिया? बाकी सब स्टेटमेंट सही बोला है, नो हटा देते तो सब सारा ये स्टेटमेंट सही हो जाता. नेक्स्ट, इन द एम्ब्रियो हुज मदर हैव म्यूटेंट GLP1, ABP इज ट्रांसफॉर्म इनटू ABS टाइप. बिल्कुल सही, ट्रू. इस बेसिस पे चलते हैं तो हमारा पहला स्टेटमेंट सही हो जाता है, ABD. अगला सवाल. चलिए बताइए अपना आंसर, तब तक मैं भी सॉल्व करती हूँ. तो काफी मजेदार सा क्वेश्चन है, म्यूटेशन केस पे दिया गया है वल्वा के. ड्यूरिंग द वल्वा डेवलपमेंट इन सी एलिगन द एंकर सेल प्रोड्यूस LIN3 प्रोटीन विच इंटरैक्ट विथ LET23 प्रोटीन प्रेजेंट ऑन द 6 वल्वा प्रिकर्सर सेल दैट फॉर्म एन इक्विवेलेंस ग्रुप. The central lineage cell that is P6P, it adopt the primary fate. The adjacent VPCs P5P and P7P, they adopt the secondary fate. And the rest VPC adopt the tertiary fate. Few mutant in column A and their phenotype in column B are listed in the table given below. आपको सही match करना है mutant का उसके phenotype के साथ match करना है. तो पहला है loss of function of LIN3. अगर LIN3 का लॉस ऑफ फंक्शन हो जाए तो क्या होगा? वल्वाई नहीं बनेगा, सारे के सारे सेल हाइपोडर्मिस फेट लेंगे. क्या ऐसा कोई स्टेटमेंट है?
ये देखिए, ऑल बीपीसी अडॉप्ट द टर्शरी फेट, तो ए का क्या हो जाएगा, ए का हो जाएगा फोर। ए का फोर हमको यहाँ दो ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो मैं इसको हटा दूंगी, इसको हटा दूंगी। अब वन या टू में से कोई एक सही होने वाला है। नेक्स्ट देखते हैं, लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ लिन थ्री एंड गेन ऑफ फंक्शन ऑफ लेट 23। लेट 23 का गेन ऑफ फंक्शन हो गया, लिन थ्री का लॉस ऑफ फंक्शन हो गया। तो अगर लेट 23 का गेन ऑफ फंक्शन हुआ है तो 6 के 6 बीपीसी पे गेन ऑफ फंक्शन हो जाएगा, हेंस एक वल्वा नहीं बनेगा, मल्टीपल वल्वा का कंडीशन देखने को मिलेगा। हेंस मुझे मल्टीपल वल्वा कंडीशन यही देखने को मिल रहा है, तो बी का जो है मैं सेकेंड ले लूंगी। ठीक, देखते हैं, रिड्यूस फंक्शन ऑफ लिन थ्री, लिन थ्री का जितना कंसंट्रेशन है उससे भी कम कंसंट्रेशन में वो काम कर रहा है, यानी रिड्यूस हो गया है। रिड्यूस हो जाने की वजह से क्या होगा, सेकेंडरी सेल के पास जो लिन थ्री जाता था वो भी नहीं जाएगा, राइट। तो इस केस में सिर्फ P6P ही प्राइमरी फेट अडॉप्ट करेगा और जो रेस्ट बीपीसी होंगे वो टर्शरी फेट ले लेंगे, सेकेंडरी फेट वाले सेल बनेंगे ही नहीं, हेंस वल्वालेस फिनोटाइप होगा। तो सी का देखा जाए तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन हो गया। डी देख लेते हैं, ओवर एक्सप्रेशन ऑफ लिन थ्री, लिन थ्री का एक्सप्रेशन जरूरत से ज्यादा हो गया। अगर ऐसा होता है तो बताया था आपको क्लास में कि एक से ज्यादा प्राइमरी वीपीसी बन जाएंगे, यानी P5, P6, P7 ये सब प्राइमरी फेट अडॉप्ट कर लेंगे और P4 एंड P8 जो है ये सेकेंडरी फेट ले लेंगे और बचे वाले सेल जो है, बचे हुए सेल जो है हाइपोडर्मिस ले लेंगे, तो हेंस ये हो जाएगा वन। तो इस हिसाब से चलते हैं तो हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाता है, राइट। काफी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन था और ईजी भी था। अगला सवाल, एंड जी ओवर एक्सप्रेशन ऑफ लिन थ्री भी मल्टी वल्वा कंडीशन ही बनाएगा, लेकिन आपको देखना है कि कौन सा ऑप्शन सही मैच बैठेगा। अब सीधी सी बात है, अगर आप मल्टी वल्वा लिन थ्री के लिए ले लेते, ओवर एक्सप्रेशन ऑफ लिन थ्री के लिए लेते, तो लेट 23 का जो गेन ऑफ फंक्शन हुआ है उसके लिए आप कौन सा ऑप्शन चूज करते। तो इट्स जस्ट लाइक अ पजल, एक ही म्यूटेशन के दो आंसर हो सकते हैं, लेकिन आपको चारों को सही जगह पे बैठाना है, चारों को सही आंसर के साथ बैठाना है। तो जो अभी हमने कॉम्बिनेशन बनाया दैट वाज द परफेक्ट कॉम्बिनेशन। बेटा अगर सबके, अगर काफी लोग कुएं में कूद रहे हैं तो क्या आप भी कुएं में कूद जाएंगे? गलत काम तो गलत होता है ना। एक बड़ी अच्छी सी कहावत है, अगर एक इंसान अकेला चल रहा है और वो सही रास्ता है तो वो रास्ता सही ही रहेगा, और अगर 10,000 लोग गलत रास्ते पे चल रहे हैं तो वो रास्ता गलत ही रहेगा। इट्स नॉट अबाउट हु इज वॉकिंग देयर, स्ट्रेंथ से रास्ते का गलत और सही होना कोई मतलब वैलिडेशन नहीं रखता है। गलत रास्ता गलत ही होगा चाहे उस पर 1,000 लोग ही क्यों ना चले, और सही रास्ता सही ही होगा चाहे उस पर एक इंसान ही क्यों ना चले, ठीक है। चलिए आंसर दीजिए। ओके, देखते हैं क्या बोला गया। द टू सेल टाइप एंकर सेल एंड वल्वा प्रिकर्सर सेल आर इन्वॉल्व इन वल्वा फॉर्मेशन इन सी एलिगन। द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर गिवन टू वर्ड अंडरस्टैंडिंग द रोल ऑफ दीज टू सेल्स टाइप एंड देयर सिग्नलिंग एक्टिविटी। एक मिनट, मेरा लैपटॉप रो रहा है, उसको बैटरी चाहिए। आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। पहला, एंकर सेल इज अ जर्म सेल। ओके, एंकर सेल इज अ जर्म सेल, भाई हमने पढ़ा था सोमैटिक गोनाडल सेल होता है वो, सोमैटिक गोनाडल सेल, जर्म सेल फ्रॉम गोनाड, नो सोमैटिक सेल होता है वो। तो ये पहले ही स्टेटमेंट गड़बड़ हो गया, राइट, नेचर ही गड़बड़ दे दिया। अब देखिए ए ए ए, ठीक है, तो भाई साहब ये तो तीनों स्टेटमेंट गलत हो गया, बच गया ये। अब बताओ, हमने अभी कोई स्टेटमेंट पढ़ा भी नहीं और हमारे पास सही आंसर आ गया, ठीक है। तो देखिए, द सिक्स वल्वा प्रिकर्सर सेल इन्फ्लुएंस्ड बाय एंकर सेल फॉर्म अ इक्विवेलेंस ग्रुप, ये स्टेटमेंट रिपीट हुआ है,
अभी अभी हमने किया था ये क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट हमने पढ़ा था. द सेल डायरेक्टली बीनीथ द एंकर सेल डिवाइड टू फॉर्म द सेंट्रल वल्वल सेल, यस, व्हाइल द टू फ्लैंकिंग सेल डिवाइडिंग टू फॉर्म द लेटरल वल्वल सेल. बिल्कुल सही. यहाँ पे सेंट्रल सेल किसके लिए यूज किया गया है? प्राइमरी वीपीसी के लिए. और लेटरल वल्वल सेल किसके लिए यूज किया गया है? सेकेंडरी वीपीसी के लिए. नेक्स्ट, द थ्री सेल फर्दर अवे फ्रॉम द एंकर सेल जनरेट द हाइपोडर्मल सेल, यस, जो सबसे ज्यादा दूर होते हैं एंकर सेल से वो हाइपोडर्मल सेल बनाते हैं, दैट इज ट्रू. नेक्स्ट, लिन थ्री सिग्नल फ्रॉम एंकर सेल फॉर्म अ ग्रेडियंट एंड एक्टिवेट द वल्वा फॉर्मिंग जीन इन द सेंट्रल एंड लेटरल सेल. बिल्कुल, क्योंकि सेंट्रल और लेटरल सेल ही वल्वा बनाते हैं, तो हेंस उनके अंदर ही वल्वा फॉर्मिंग जीन एक्टिवेट होगा. और वो जीन एक्टिवेट किसके थ्रू होगा? लिगेंड के थ्रू. वहां पर लिगेंड कौन काम कर रहा है? लिन थ्री काम कर रहा है. तो बिल्कुल सही, ट्रू. नेक्स्ट है द नॉच डेल्टा मीडिएटेड मैकेनिज्म ऑफ रिस्ट्रिक्टिंग एडजेसेंट सेल फिट इज कॉल्ड लेटरल इनहिबिशन. बिल्कुल सही बोला है, फिट को रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है लेटरल इनहिबिशन के द्वारा, राइट. चतुर वाली कहानी बताई, तो प्राइमरी वाला किसको रिस्ट्रिक्ट करता है? सेकेंडरी वाले को, कि तुम प्राइमरी फिट ना ले लो. तो देखा जाए तो बी सी डी ई एफ सारे स्टेटमेंट सही है, सिर्फ ए ही स्टेटमेंट गलत था. ठीक है, तो ये हो गया आपका. नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल. ताजिया जी क्या करें बताइए, हम तो रिक्वेस्ट कर करके थक गए, बट ये बच्चे जो हैं कान में रुई डाल के बैठे हैं, अपने मन का काम कर रहे हैं. लिन 39 के एक्सप्रेशन से नहीं, तो इक्विवेलेंट लिन 39 के एक्सप्रेशन से नहीं होता है, उनके पास इक्वल कॉम्पिटेंसी होती है टू गेट इंड्यूस फ्रॉम एंकर सेल. सबके पास इक्वल काबिलियत है कि सबको एंकर सेल के साथ इंट्रैक्शन मिल सकता है, और वो मिलता भी. लेकिन प्रॉब्लम क्या हो जाती है? प्रॉब्लम हो जाती है लिन 3 की. एंकर सेल कभी भी 6 सेल में डिफ्रेंशिएट नहीं करता है. वो जो रिलीज करता है, वो रिलीजिंग जो फैक्टर होता है, दैट इज लिन 3, उसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाती है. क्योंकि वो जो लिन 3 सिग्नल रिसीव हुआ है, वो क्या करता है? वो किसी के पास ज्यादा अमाउंट में जाता है, जो सबसे नजदीक होता है, और जो दूर होता है उसके पास कम अमाउंट में जाता है. तो सारे के सारे 6 वीपीसी के पास इक्वल कैपेबिलिटी होती है टू गेट इंड्यूस फ्रॉम एंकर सेल, और हेंस इस नेचर को हम इक्विवेलेंट नेचर कहते हैं. एबलेटेड क्या होता है? अब क्वेश्चन में हम हिंट बताएंगे तो फिर कैसे चलेगा, सोचिए. अच्छी वाली इंग्लिश यूज की गई है. कन्हैया जी, अब आपके लिए क्या हम बांसुरी बजाएं, तब आप सुनेंगे? अभी मना किया ना कि आंसर नहीं देना है जब तक बोला ना जाए. अलीशा, ये कुछ बच्चे ना सुन ही नहीं रहे, सीरियसली. ये कॉमन नाम में देख रही हूं तब से. संदीप, गीता, क्या हो गया जी, कंट्रोल नहीं हो रहा है? गोल्ड लाइन को डायमंड मेडल चाहिए अलग से. वीरेंद्र सर ने जस्ट ही मैन्युफैक्चरिंग शुरू करवाई है डायमंड मेडल की. मैं सोच रही हूँ इन बच्चों को उनके पास भेज दूँ, अच्छे से सम्मानित किया जाएगा फिर. चलो
बताओ आंसर क्या होगा। ओके देखते हैं, बोला गया है डेवलपमेंट ऑफ वल्वा इन सी एलिगन इज इनिशिएटेड बाय इंडक्शन ऑफ स्मॉल नंबर ऑफ सेल बाय द शॉर्ट रेंज सिग्नल फ्रॉम सिग्नल इंड्यूसिंग सेल विद रेफरेंस टू दिस फॉलोइंग स्टेटमेंट विल पुट फॉरवर्ड। स्टेटमेंट जो है यहाँ पे सामने रखे गए हैं, आपको बताना है ट्रू स्टेटमेंट। पहला, व्हेन द एंकर सेल वॉज एबलेटेड अर्ली, एबलेटेड का मतलब होता है रिमूव कर देना, जब एंकर सेल को अर्ली स्टेज में रिमूव कर दिया गया, वल्वा फॉर्म नहीं हुआ, नो वल्वा डेवलपमेंट, यस ट्रू, एंकर सेल हट जाएगा तो कहां से वल्वा डेवलप होगा, ट्रू। नेक्स्ट, इन डोमिनेंट नेगेटिव म्यूटेंट, म्यूटेंट म्यूटेशन का नेचर डोमिनेंट है, हेंस एक एलील भी म्यूटेट हो जाए तो इनफ है इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए, और नेगेटिव म्यूटेंट है ऑफ लेट 23, अ प्राइमरी वल्वा फॉर्म बट द सेकेंडरी वल्वा फॉर्मेशन डिड नॉट टेक प्लेस। देखिए लेट 23 में नेगेटिव म्यूटेंट हो जाए तो सीधी सी बात है लेट 23 तो फंक्शनल रहेगा नहीं, तो जब वो फंक्शनल ही नहीं रहेगा तो सारे 6 के 6 वीपीसी पे प्रेजेंट है ना, तो जब वो फंक्शनल ही नहीं है किसी भी वीपीसी पे तो काहे का सेकेंडरी यहाँ पर वल्वा बनेगा और प्राइमरी वल्वा बनेगा या नहीं बनेगा, इसका तो कोई लॉजिक ही नहीं प्रेजेंट रहता है, कुछ नहीं बनेगा, ना प्राइमरी बनेगा ना सेकेंडरी बनेगा, सिर्फ और सिर्फ डिफॉल्ट फेट ले लेंगे, राइट। तो ये क्या हो गया, ये गलत हो गया। नेक्स्ट, अ सेल अडॉप्टिंग अ प्राइमरी फेट inhibit the adjacent cell from adopting the same fate by lateral inhibition involving the LIN-39. भाई साहब LIN-39 नहीं LIN-12 होता है, lateral inhibition LIN-12 की मदद से होता है, LIN-39 की मदद से नहीं होता है, ये हो गया गलत। अच्छा ये सारा स्टेटमेंट सही होता, सिर्फ LIN-12 डाल देते ना तो पूरा स्टेटमेंट सही हो जाता, पता है। नेक्स्ट देखिए, अ कंस्टिट्यूटिव सिग्नल फ्रॉम हाइपोडर्मिस इनहिबिट द डेवलपमेंट ऑफ बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी फेट बट इट इज ओवर रूल्ड बाई द इनिशियल सिग्नल फ्रॉम द एंकर सेल। बिल्कुल सही, ट्रू। ये स्टेटमेंट भी मैंने आपको समझाया था कि प्राइमरी और सेकेंडरी फेट जो होता है वो यहाँ पर जो सेल्स सेलेक्ट किए जाते हैं उनमें बहुत हाई रहता है, और इतना हाई रहता है इसलिए डिफॉल्ट फेट भी वो अडॉप्ट कर सकते हैं अगर सिग्नल ना मिले, लेकिन सिर्फ सिग्नल मिलने की वजह से वो सिग्नल इतना स्ट्रांग होता है कि वो ओवर रूल कर दिया जाता है और हेंस वो सिग्नल अपने प्रेजेंस की वजह से कोई और फेट दे पाता है, ठीक है। ये ट्रू हो गया, तो यहां देखा जाए तो ए और डी सही है, हेंस थर्ड ऑप्शन सही है, राइट। तुम्हारा थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है। चलो अगला सवाल, निशा जी जितने सवाल हम करवा रहे हैं ना उन सारे सवाल से जुड़े हुए कंसेप्ट हमने समझाए हैं। चंदा जी कहां LIN-39, ठीक है, और कहां LIN-12, LIN-12 वाला केस हमारा चतुर वाला केस है, LIN-39 तो कितना आगे कैंडिडेट सिलेक्शन में काम कर रहा था, 6 कैंडिडेट को उसने सेलेक्ट किए थे। कितना जी हम एनोटेशन हटा तो दे रहे हैं, चलिए। विजय जी थैंक यू, शुक्रिया इस कमेंट के लिए, ये तो अच्छी बात है, हम अच्छे से कराते हैं और आप अच्छे लोगों के साथ जुड़ गए हैं ना, फिर अच्छी रैंकिंग आनी चाहिए, अच्छे मार्क्स आने चाहिए, तो सोने पे सुहागा वाली चीज है, तो आपको अब अच्छा इतना मिला है तो फिर हम आप अच्छे से अच्छा रिजल्ट निकालिए फिर, है ना, सब कुछ अच्छा अच्छा है तो रिजल्ट अच्छा अच्छा होना चाहिए, नंबर अच्छे अच्छे होने चाहिए। ओके चलो देखते हैं क्या बोला यार, 1-2, 1-2, 1-2, 5, क्या बोला है, द सी एलिगन इन अ सी एलिगन एंकर सेल एंड द फ्यू हाइपोडर्मल सेल टेक पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ वल्वा, ठीक है।
एक्सपेरिमेंट परफॉर्म टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ दीज सेल्स इन द वल्वा फॉर्मेशन एंड रिजल्ट ऑब्टेन्ड आर एज फॉलो। कुछ यहाँ एक्सपेरिमेंट किए गए, उन एक्सपेरिमेंट को यहाँ तीन लाइन में डिफाइन किया गया। पहला क्या बोला है, इफ द एंकर सेल इज किल्ड बाय लेजर बीम, हाइपोडर्मल सेल डू नॉट पार्टिसिपेट इन वल्वा फॉर्मेशन एंड नो वल्वा डेवलप। अगर एंकर सेल को किल कर दिया जाए लेजर बीम के द्वारा, तो हाइपोडर्मल सेल जो है वल्वा बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे और कोई वल्वा नहीं बनेगा। ये पहला एक्सपेरिमेंट देखा गया। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट क्या देखा गया, देखिए नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट देखा गया, अगर इफ सिक्स हाइपोडर्मल सेल क्लोजली लोकेटेड विद एंकर सेल कॉल्ड वल्वा प्रिकर्सर सेल आर किल्ड, नो वल्वा डेवलपमेंट। अगर बोला गया जो छह हाइपोडर्मल सेल होते हैं, जिनको कि हम आगे चल के वीपीसी कहते हैं, अगर जो कि एंकर सेल के जस्ट नीचे लोकेटेड होते हैं, अगर हमने उनको किल कर दिया तो कोई वल्वा नहीं बन रहा है। ये सेकेंड एक्सपेरिमेंट देखा गया। तीसरा क्या देखा गया, If the three central vulval precursor are destroyed, the three outer cell which normally form hypodermis take the fate of vulval cell instead. अगर बीच के तीन सेल को, तीन वीपीसी को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, तो बाकी जो तीन बच गए हैं वो चले आते हैं मिडल में और वहां पे वो वल्वा सेल का फेट ले लेते हैं। ये तीन एक्सपेरिमेंट किए गए। अब आपको क्या बोला गया, फॉलोइंग आर सर्टेन स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वल्वा फॉर्मेशन। यहाँ पे पांच स्टेटमेंट दिए गए हैं वल्वा फॉर्मेशन से रिलेटेड। असली क्वेश्चन यहाँ पर है, व्हाट कॉम्बिनेशन ऑफ अबव स्टेटमेंट हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम द अबव एक्सपेरिमेंट। इन पांचों स्टेटमेंट में से कौन सा कंक्लूजन आप ड्रॉ कर सकते हो इन तीन एक्सपेरिमेंट के द्वारा। यानी अगर आप एक नए नवेले स्टूडेंट होते और आपको मैं वल्वा फॉर्मेशन नहीं पढ़ाती, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको ये तीन एक्सपेरिमेंट करके दिखाती, तो आप क्या कंक्लूजन पे पहुंचते। पहला देखिए, एंकर सेल एक्ट एज अ इंड्यूसर। एंकर सेल इंड्यूसर की तरह काम कर रहा है, बिल्कुल। ये बात हमको कौन बता रहा है, पहला एक्सपेरिमेंट बता रहा है, क्योंकि जब एंकर सेल को डिस्ट्रॉय कर दिया गया तो वल्वा बना ही नहीं। ये बात हमको मिल रही है, पहले स्टेटमेंट से पता चल रही है। नेक्स्ट, सिक्स हाइपोडर्मल सेल विथ पोटेंशियलिटी टू फॉर्म वल्वा फॉर्म अ इक्विवेलेंस ग्रुप। सिक्स हाइपोडर्मल सेल जो है, सबके पास पोटेंशियल होता है वल्वा बनाने का, वो इक्विवेलेंस ग्रुप फॉर्म करता है। ये बात मुझे कैसे पता चल रही है, थर्ड एक्सपेरिमेंट के द्वारा पता चल रही है, क्योंकि जब तीन को बीच से हटा दिया जा रहा है तो बाकी तीन आके पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मतलब हेंस उनमें इक्विवेलेंसी है। तो ये भी सही हो गया, ठीक है, ये भी सही, ये भी सही। थर्ड देखिए, थ्री आउट ऑफ सिक्स हाइपोडर्मल सेल पार्टिसिपेट इन द वल्वा फॉर्मेशन। ये भी किससे पता चल रहा है, ये भी थर्ड वाले से पता चल रहा है, क्योंकि एट अ टाइम तीन ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो तीन जब हट गए तो बाकी तीन चले आए। नेक्स्ट देखिए, तो ये भी सही है, ये भी हमें एक्सपेरिमेंट के द्वारा ये कंक्लूजन हमें पता चल रहा है। नेक्स्ट, द सेंट्रल सेल फंक्शन एज अ प्राइमरी सेल एंड द टू सेल ऑन द बोथ साइड एक्ट एज अ सेकेंडरी सेल, यानी टू डिग्री सेल। तो देखिए, ये स्टेटमेंट अपने आप में एकदम सही है, लेकिन ये स्टेटमेंट, ये जो कंक्लूजन है, उस कंक्लूजन से रिलेटेड कोई यहाँ एक्सपेरिमेंट नहीं किया गया है। तो ये जो क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन इज अ कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन। कंडीशन बेस्ड, एक कंडीशन बनाया गया है, उसके ऊपर ये क्वेश्चन पूछा है। सारे ही स्टेटमेंट या पांचों के पांचों स्टेटमेंट सही है, मतलब पांचों के पांचों कंक्लूजन सही है, लेकिन वो कंक्लूजन जो इन तीन एक्सपेरिमेंट से रिलेट करे, ऐसे कंक्लूजन सिर्फ तीन है, ठीक है, तो ये कंक्लूजन सही नहीं है, ऑल्दो ये स्टेटमेंट अपने आप में सही है। नेक्स्ट है, वन डिग्री सेल सिक्रीट अ शॉर्ट रेंज जक्स्टाक्राइन सिग्नल। ये भी स्टेटमेंट सही है, लेकिन ये स्टेटमेंट इन तीन एक्सपेरिमेंट के साथ मैच नहीं कर रहा है, तो ये हमने हटा दिया, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला है, कौन सा स्टेटमेंट आप एक्सपेरिमेंट के द्वारा डिराइव कर सकते हैं, यानी ये तीन एक्सपेरिमेंट के द्वारा। तो हमारा आंसर हो गया ए बी सी, दैट इज फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। तो पांचों ही स्टेटमेंट ट्रू है वल्वा के सेंस में, लेकिन सिर्फ तीन स्टेटमेंट कंक्लूजन को बता रहे हैं जो यहाँ एक्सपेरिमेंट किया गया। होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, एंड दिस इज अ एग्जांपल ऑफ अगेन कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन। अगला सवाल, यस, इसमें एक कंडीशन के अकॉर्डिंग आपसे सवाल पूछा था। यस, बिना कंडीशन के ऑल स्टेटमेंट आर करेक्ट। चलिए बताइए अपना आंसर।
बोला गया है, एट अ टू सेल स्टेज ऑफ सी एलिगेंट डेवलपमेंट द ब्लास्टोमियर वेर एक्सपेरिमेंटली सेपरेटेड एंड अलाउड टू प्रोसीड इन द डेवलपमेंट. वन ऑफ द ब्लास्टोमियर P1 डेवलप जनरेटिंग ऑल द सेल टाइप ऑफ सेल इट वुड नॉर्मली मेक, वाइल द अदर ब्लास्टोमियर AB मेड ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ सेल टाइप इट वुड नॉर्मली मेक. कंक्लूजन ड्रॉ किया, आपको बताना है करेक्ट कंक्लूजन. पहला, द डिटर्मिनेशन ऑफ P1 एंड AB बोथ इज ऑटोनोमस, नहीं, बोथ इज कंडीशनल, बिल्कुल नहीं. लो भाई, दो दो के ऑप्शन बनाए गए हैं और दो गलत हो गए, तो मतलब सी और डी ही सही. अब सी में क्या बोला है, डिटर्मिनेशन ऑफ P1 वॉज ऑटोनोमस, यस, AB वॉज कंडीशनल, ठीक है. बोथ एसिमेट्रिक डिविजन एंड सेल सेल इंट्रैक्शन स्पेसिफाई द सेल फिट इन द अर्ली डेवलपमेंट, बिल्कुल सही. एसिमेट्रिक डिविजन एंड जिस तरीके से डिवाइड हो रहे हैं सेल सेल इंट्रैक्शन, यानी टाइप ऑफ सिग्नलिंग जो हम देख रहे थे, उन दोनों के द्वारा ही जो है सेल फिट डिटरमाइन होता है. तो इस हिसाब से चलते हैं तो सी एंड डी यानी फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाता है. अगला सवाल. वर्षा, विजय और आलिया, क्या बात है जी, बड़ी हड़बड़ी में लग रहे हैं आप लोग. हमें भी बताइए जरा उस हड़बड़ी का राज. चलो आंसर दो. क्या बोला गया है क्वेश्चन में, द सी एलिगेंट ड्यूरिंग द एम्ब्रियोजेनेसिस एन एंकर सेल एंड द सिक्स hypodermal vulvar precursor cell VPC get involved in formation of vulva. If the three of the hypodermal VPC are killed by a laser beam, normal vulva is still formed. This could be due to the following possible reason. यानी बीच के तीन सेल को वीपीसी को डिस्ट्रॉय कर दिया गया फिर भी नॉर्मल वल्वा बना, ऐसा क्यों हुआ, आपको रीजन बताना है और करेक्ट ऑप्शन को पिक करना है. पहला, सिक्स हाइब्रोडर्मल वीपीसी फॉर्म अ इक्विवेलेंस ग्रुप ऑफ सेल आउट ऑफ विच ओनली थ्री पार्टिसिपेट इन वल्वा फॉर्मेशन एंड थ्री सेल रिमेन एज अ रिजर्व सेल, बिल्कुल सही, ट्रू, क्योंकि एट अ टाइम तीन ही पार्टिसिपेट करते हैं, बाकी तीन क्या करते हैं हाइपोडर्मल सेल यानी रिजर्व सेल की तरह रहते हैं. नेक्स्ट देखिए, व्हेन द थ्री हाइपोडर्मल सेल आर किल्ड द थ्री नेबरिंग हाइपोडर्मल नॉन वीपीसी तो नहीं थे, वो वीपीसी ही थे, वल्वा प्रिकर्सर सेल ही थे वो. ये गलत हो गया, ए सही है, बी गलत हो गया, बी गलत हो गया, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया. अब देखिए इसमें तो बी है, ए है ही नहीं, और हम ए को ऑलरेडी सही कर चुके हैं. नेक्स्ट देखिए, एंकर सेल फंक्शन एज अ इंड्यूसर विच कैन इंड्यूस एपिथीलियल सेल ऑफ गोनाड टू गेट रिक्रूटेड टू कंपनसेट फॉर द लॉस. कहां ही जा रहा है भाई ये, गलत. एंकर सेल एक्ट एज अ इंड्यूसर, यस, विच कैन स्पार्शली इंड्यूस ओनली थ्री हाइपोडर्मल सेल टू फॉर्म द वल्वा, यस, एट अ टाइम वो सिर्फ तीन ही हाइपोडर्मल वीपीसी को जो है एक तरीके से इंड्यूस कर पाता है. तो ये क्या हो गया, ये भी ट्रू हो गया. इस हिसाब से चलते हैं तो ए एंड डी सही हो जाता है, दैट इज फोर्थ ऑप्शन. अगला सवाल. बी कैसे गलत हुआ भाई, 6 वीपीसी की बात हुई थी, सेकेंड ऑप्शन में नॉन वीपीसी बोला है, बट नॉन वीपीसी तो थे ही नहीं, 6 वीपीसी थे डायरेक्टली. नॉन वीपीसी पे तो लेट 23 एक्सप्रेस ही नहीं करेगा, तो कहां से वो आके वल्वा बनाएंगे. चलो इसका आंसर बताओ. क्वेश्चन पूछा गया है, इन सी एलिगन द SKN1 प्रोटीन कंट्रोल द फेट ऑफ EMS ब्लास्टोमियर विच जनरेट द पोस्टीरियर फेरिंग्स विद रेफरेंस टू द अबव विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. आपको गलत स्टेटमेंट पिक करना है. पहला, द MS ब्लास्टोमियर इज एबल टू जनरेट फेरिंजियल टिश्यू इवन इन आइसोलेशन, बिल्कुल सही. इनफैक्ट इसी टिश्यू के लिए ही तो हमने ऑटोनॉमस केस देखा था, राइट, यही तो नेचर, ये वाला एक ऑटोनॉमस नेचर देखा था और एक P1 का ऑटोनॉमस नेचर देखा था, तो ये हो गया ट्रू. नेक्स्ट देखिए, एम्ब्रियो फ्रॉम SKN1 स्किन एक्सेस डेफिशिएंट मदर लैक बोथ फेरिंजियल मेसोडर्म एंड एंडोडर्म डेरिवेटिव ऑफ EMS, ये भी सही है, बिल्कुल ट्रू, क्योंकि SKN1 का रोल क्या था, फेरिंग्स
वाला नेचर, फेरिंग्स भी बनाना और साथ ही साथ इंटेस्टाइन भी बनाना। तो फेरिंग्स किससे बन रहा था? फेरिंग्स बन रहा था एमएस की वजह से। और एंडोडर्मल डेरिवेटिव कौन हो गया? ई सेल। और ई सेल से क्या बन रहा था? इंटेस्टाइन बन रहा था, राइट। तो ये क्या हो गया? ये हो गया ट्रू। नेक्स्ट, एम्ब्रियो विच आर SKN1 नल म्यूटेंट विल ऑलवेज मेक एक्स्ट्रा हाइपोडर्मल एंड बॉडी वॉल टिश्यू। वी आर नॉट श्योर फॉर दिस, तो हम इसको होल्ड पे रखेंगे, नल म्यूटेंट का कोई केस है। नेक्स्ट फोर्थ देखिए, SKN1 एक्टिवेट मेड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हुज लेवल ऑफ एक्टिविटी कंट्रोल द फेट ऑफ EMS लीनिएज। ये भी हमने पढ़ा है, तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया? ट्रू हो गया। तो इस हिसाब से चलते हैं तो हमें जो है थर्ड ऑप्शन को ऑड ऑप्शन आउट करना पड़ेगा, थर्ड ऑप्शन हट जाता है क्योंकि हमने SKN1 का कोई नल म्यूटेंट केस नहीं देखा है, होमोजाइगस म्यूटेंट केस देखा है। तो हमने पहला स्टेटमेंट भी अपने नोट्स में पढ़ा है, सेकेंड भी पढ़ा है, फोर्थ भी पढ़ा है, राइट। और ये तीनों स्टेटमेंट से हम अवेयर थे, सो फॉर अस इट वॉज पॉसिबल टू चूज दी इनकरेक्ट ऑप्शन, दैट इज थर्ड ऑप्शन। ऑड ऑप्शन एलिमिनेशन करके हमने थर्ड ऑप्शन हटा दिया। अब रही बात SKN1 नल म्यूटेंट के केस की, तो SKN1 का नल म्यूटेंट केस अवेलेबल नहीं मिला कहीं भी, बुक में भी अवेलेबल नहीं है, ना ही पेपर में अवेलेबल है। तो वी आर नॉट श्योर कि ऐसा म्यूटेशन केस एग्जिस्ट भी करता है या नहीं, और एग्जिस्ट करता है तो उसका म्यूटेंट फिनोटाइप क्या होता है। तो ये एक टास्क है आप लोगों के लिए भी, और मैं भी ऑब्वियसली खोजती रहती हूँ। इनकेस आप में से किसी को भी SKN1 का नल म्यूटेंट केस मिला तो आप मुझे रीच आउट कीजिएगा, और अगर मुझे पहले मिल गया तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँ, ठीक है। तो ये वाला अभी फिलहाल के लिए अननोन है, वी आर हैविंग नो आइडिया कि ऐसा क्यों नहीं हुआ, बट क्योंकि ये क्वेश्चन हम कर सकते थे क्योंकि बाकी तीन ऑप्शन से हम अवेयर थे। चलो अगला सवाल, हाँ जी, तो फेरिंजियल टिश्यू ऑटोनोमस डेवलप हो रहा है, तो वही तो स्टेटमेंट फर्स्ट फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है कि आइसोलेशन में भी फेरिंजियल टिश्यू जनरेट हो रहा है। आइसोलेशन में भी जनरेट हो रहा है मतलब कि ऑटोनोमस हो रहा है, ये चीज तो पढ़ाई गई है SKN1 वाले चैप्टर में। ये वाला वर्ड ब्लास्टोमिया होगा, होगा स्टेटमेंट आधा आधा वर्ड लगेगा। सेकंड कैसे रॉन्ग हुआ भाई साहब? सेकंड कहाँ रॉन्ग किया है? थर्ड वाले को रॉन्ग किया है ना शिवांशी, क्या ही देख रहे हैं आप लोग? सेकंड वाला तो सही हुआ है। विजय जी, लग रहा है विजय बहुत मिल गई है आपको, तभी मेरी बातों को जो है अनसुना करने की कोशिश में लगे हुए हैं आप। चक्कर क्या है जरा हमें भी बताइए, इतनी बार रिक्वेस्ट करवा रहे हैं, अच्छा लग रहा है? टीचर आपसे बार बार रिक्वेस्ट किए जा रहा है एक ही चीज के लिए।
ओके चलिए आंसर दीजिए। सबर, सबर नाम की चिड़िया किसी को नहीं पता यहाँ पे, मुझे सब समझ में आ रहा है। चलो देखते हैं क्या बोला गया क्वेश्चन में। ये पूछा गया था सितंबर 2022 में। बोला है सी एलिगन एम्ब्रियो यूजेस बोथ ऑटोनॉमस एंड कंडीशनल मोड ऑफ स्पेसिफिकेशन। फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फॉर स्पेसिफिकेशन ऑफ सेल लीनिएज यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट बोथ करेक्ट स्टेटमेंट। दो दो का ऑप्शन मैच किया गया, आपको बताना है कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट होगा। पहला, द सिग्नल फ्रॉम द P1 ब्लास्टोमियर इंस्ट्रक्ट द EMS सेल फॉर इट्स फ्यूचर डेवलप फर्दर डेवलपमेंट। बिल्कुल सही, EMS से ही एक इंस्ट्रक्टिव इंट्रैक्शन मिलता है। सॉरी नो 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 इट्स P1, नो गलत गलत गलत, P2 से इंट्रैक्ट करता है, राइट। P1 से नहीं इंट्रैक्ट करता है, P1 तो टू सेल स्टेज में मिलता है, ये होना चाहिए P2। P2 जो होता है वो 4 सेल स्टेज में होता है EMS के साथ, तो ये हो गया फॉल्स। पहला गलत, ए गलत, तो फिर ये गलत और ये गलत। सी देखिए दोनों में कॉमन है, हेंस सी हर हाल में सही होगा। पहले बी देख लेते हैं। बी में क्या बोला है, इन द एब्सेंस ऑफ इंस्ट्रक्टिव सिग्नल फ्रॉम P2 मतलब एक्सक्लूसिवली द EMS सेल विल डिवाइड इंटू 2 MS सेल। बिल्कुल सही, इंस्ट्रक्टिव सिग्नल नहीं मिला अगर इसको किससे, P2 से, तो EMS सेल 2 MS बना लेगा। बिल्कुल सही, बी सही हो गया। अब देखिए बी सही हो गया और सी दोनों में कॉमन है, यानी समहाउ जो है सेकेंड ऑप्शन सही होने वाला है। लेकिन देख लेते हैं, सी में बोला है इन द प्रेजेंस इन द एब्सेंस ऑफ POP1 सिग्नल द प्रोस्पेक्टिव MS सेल कैन मेक अप द ई फेट। बिल्कुल, अगर MS में भी आप POP1 को हटा दो, ठीक है, POP1 का एब्सेंस करवा दो, तो MS किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ई में कन्वर्ट हो जाएगा। और ई में अगर POP1 इंट्रोड्यूस करवा दो तो ई किस में चेंज हो जाएगा, MS में हो जाएगा। ये तो हमने देखा था, तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया, ट्रू हो गया। डी में बोला है MOM2 प्रोटीन फ्रॉम द ब्लास्टोमियर नेबरिंग द EMS सेल इंस्ट्रक्ट द डिवाइडिंग EMS ब्लास्टोमियर्स फॉर द फेट। देखिए MOM2 प्रोटीन बिल्कुल नेबरिंग ब्लास्टोमियर से मिलता है, लेकिन EMS का तो नेबर बहुत सारा है, ए बी है, P2 भी है, तो यहाँ पे मेंशनिंग नहीं किया, तो यहाँ पे वर्ड होना चाहिए था फ्रॉम P2 ब्लास्टोमियर, तब ये स्टेटमेंट पूरा सही होता। तो ये क्या हो गया, ये हो गया गलत। तो हेंस हम बी और सी लेके जा सकते हैं, यानी थर्ड सेकेंड ऑप्शन लेके जा सकते हैं। यस, नॉर्मल ब्लास्टोमियर से नहीं, P2 ब्लास्टोमियर से होगा। चलो अगला सवाल। ओके देखिए क्या बोला गया, द ग्रुप ऑफ 6 सेल P3 to P8 कॉल द वल्वा प्रिकर्सर सेल ऑफ सी एलिगन फॉर्म अ इक्विवेलेंस ग्रुप। ओके, द फॉलोइंग स्टेटमेंट वेर मेड एज अ एविडेंस दैट VPC फॉर्म अ इक्विवेलेंस ग्रुप। आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट का कॉम्बिनेशन। पहला है, इफ द एंकर सेल इज डिस्ट्रॉयड द VPC कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइपोडर्मल टिश्यू। एकदम सही, थ्रू। नेक्स्ट, इफ द 3 सेंट्रल सेल दैट इज P5 to P7 यानी P5 P6 P7 आर डिस्ट्रॉयड द रिमेनिंग सेल कैन जनरेट वल्वल सेल। बिल्कुल सही, ट्रू। बीच के 3 डिलीट कर दीजिए, बाकी 3 आके पार्टिसिपेट करने लगेंगे। इफ द एक्सप्रेशन ऑफ LIN3 इज इंक्रीज्ड VPC कंट्रीब्यूटिंग टू द सेकेंडरी लीनिएज कैन फॉर्म द सेल ऑफ प्राइमरी लीनिएज। बिल्कुल सही, LIN3 का कंसंट्रेशन अगर आप बढ़ा देते हैं यानी ओवर एक्सप्रेस करवा देते हैं, तब क्या होगा, 5, 6 एंड 7 ये तीनों ही प्राइमरी बन जाएंगे, राइट। तो ये क्या हो गया, ये भी ट्रू हो गया। नेक्स्ट, एक टॉपिक यानी एबनॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ LET23 इन P5 एंड P7 VPC कन्वर्ट देम टू द प्राइमरी सेल लीनिएज। गलत भाई, तुम्हें एक टॉपिक एक्सप्रेशन करवाने की क्या जरूरत है, P5 और P7 पे तो ऑलरेडी LET23 रहता है, और अगर एबनॉर्मल तरीके से भी LET23 अगर आप एक्सप्रेस करवाते हो तो वो प्राइमरी तो नहीं लेंगे, वेरी ऑब्वियस, क्योंकि जो प्राइमरी फेट होता है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि LIN3 किसको ज्यादा मिल रहा है, ठीक है। तो ये गलत हो गया, इसके गलत होने से ABC तीनों सही हो जाते हैं, हेंस थर्ड ऑप्शन सही हो जाता है। ओके चलो अगला सवाल।
एक टॉपिक का मतलब होता है एबनॉर्मल तरीके से एक्सप्रेस करवाना। तो अगर आप P5 एंड P7 पे एबनॉर्मल लेड-23 को एक्सप्रेस भी करवाते हो तो भी कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा नॉर्मल वल्वा डेवलपमेंट पे, क्योंकि LIN3 का कंसंट्रेशन वहां पे ऑलरेडी कम जा रहा है। तो आप कितने भी एक्सप्रेशन करवा लीजिए लेड-23 का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एटलीस्ट क्वेश्चन पूछा था प्राइमरी फेड चाहिए, तो उसमें प्राइमरी फेड तो बिल्कुल नहीं आएगा। ओके, आप अपना आंसर दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आई थिंक ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा होपफुली। नहीं, एक और क्वेश्चन भी है। ओके, क्या बोला गया है देखिए। द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट द इंटरेक्शन बिटवीन द डिफरेंट ब्लास्टोमियर इन 4 सेल स्टेज ऑफ सी एलिगन एम्ब्रियो। ठीक है, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट बोले गए हैं, आपको सारे करेक्ट स्टेटमेंट को पिक करना है। पहला, द फेट ऑफ EMS ब्लास्टोमियर इज ऑटोनोमसली स्पेसिफाइड। गलत। इसका जो फेट होता है, स्पेशली एक फेट जिसमें कि ई सेल बनाता है, वो फेट कंडीशनल स्पेसिफाइड होता है, तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट, दी डिफॉल्ट फेट ऑफ EMS ब्लास्टोमियर इज MS सेल लीनिएज। बिल्कुल सही, डिफॉल्ट फेट क्या होता है, MS होता है, तभी तो बिना किसी के इंट्रैक्शन के भी वो MS बना रहा है, दैट इज द डिफॉल्ट फेट। तो ये क्या हो गया, ये ट्रू हो गया। अब ए गलत हो गया, तो ए इधर है और इधर है। ठीक है, यहाँ पर बी और सी कॉमन है, बी और सी कॉमन है, मतलब बी भी सही और सी भी सही। सी में क्या बोला है, कंडीशनल स्पेसिफिकेशन कैन बी ऑब्जर्व इन द डेवलपमेंट ऑफ ई सेल लीनिएज, यही तो हम बोल रहे थे अभी फिलहाल में। तो ये भी क्या हो गया, ट्रू हो गया। नेक्स्ट देखिए, डी में क्या बोला है, एज्यूमिंग दैट पिक्चर के अकॉर्डिंग दैट अ रिसेप्टर नीडेड टू बी एक्टिवेटेड फॉर ई फेट। अब यहाँ पे कंडीशन डाल दिया गया है, एज्यूम करने को बोला गया है। एज्यूम यानी इमेजिन करो कि ई फेट लेने के लिए सेल के ऊपर एक रिसेप्टर पाया जाता है, ऐसा बोल दिया है। ठीक है, बोला एज्यूम दैट द रिसेप्टर नीडेड टू बी एक्टिवेटेड फॉर ई फेट, और इसका एक्टिव रहना जरूरी है, एक्टिव रहेगा तभी जो है ये ई फेट लेगा, ऐसा बोला गया है। अ सी एलिगेंस एम्ब्रियो वेयर द रिसेप्टर इज कंस्टिट्यूटिवली एक्टिव इज लाइकली टू डेवलप सेल ऑफ ई फेट ओनली इन ऑल 3 ऑफ द अबव केसेस। यहाँ जो 3 केस दिया गया है, उन सभी केसेस में बोला गया है कि अगर हम रिसेप्टर को लगातार एक्टिव कर दें, लगातार एक्टिव यानी जरूरत पड़ी तो भी एक्टिव रहेगा, नहीं जरूरत पड़ी तो भी एक्टिव रहेगा, तो तीनों ही केसेस में अगर हम रिसेप्टर को लगातार एक्टिव रख दें तो बोला जा रहा है कि चांसेस हैं कि ई फेट ही सिर्फ डेवलप करेगा ऊपर के तीनों केसेस में। तो अगर मान लीजिए इस केस में ईएमएस से निकलने वाला जो सेल है, क्योंकि आप लगातार जो है यहाँ पे उस रिसेप्टर को एक्टिव कर रहे हो, चाहे कोई भी सेल हो, तो यहाँ भी वो रिसेप्टर एक्टिव है, इधर भी एक्टिव है, इधर भी एक्टिव है, इधर इधर इधर। अगर वो रिसेप्टर, वेयर द रिसेप्टर इज कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्टिव, लगातार वो रिसेप्टर एक्टिव है, तो क्या होगा, ऑब्वियसली रिसेप्टर की एक्टिवनेस के लिए, रिसेप्टर का जब एक्टिविटी रहता है यानी एक्टिव रहता है, तो ही ई फेट बनता है। और अगर सभी सेल में जो है रिसेप्टर एक्टिव है, तो सारा का सारा सेल जो है ई फेट ले लेगा, तीनों के तीनों केसेस में, यानी ये सब केसेस में। यस, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। ये एक नया म्यूटेशन केस यहाँ पे इंट्रोड्यूस करके आपसे पूछा गया है, ये भी सही हो गया। तो आंसर क्या हो गया हमारे यहाँ पे, ए हट गया, तो बी सी डी फोर्थ ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। क्लियर? तो ऐसे कंडीशन बेस्ड, अगेन यहाँ पे एक कंडीशन जनरेट कर दिया आपके लिए, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना था। या ऑफ कोर्स अगर कोई रिसेप्टर के एक्टिव रहने की वजह से ई बन रहा है, तो अगर उस रिसेप्टर को सारे सेल्स पे एक्टिवेट करवा दोगे तो ई ही बनेगा, वेरी ऑब्वियस। ये तो म्यूटेशन केस बता दिया गया ना, बट फर्स्ट केस में P2 तो है ही नहीं, बट म्यूटेशन केस में आपको, म्यूटेशन केस में P2 चाहिए, नॉर्मल एक्सप्रेशन चाहिए, P2 नॉर्मल एक्सप्रेशन के केस में चाहिए। आप ऑलरेडी एक रिसेप्टर को लगातार एक्टिव कर रहे हो, लगातार एक्टिव इज अ म्यूटेशन केस। म्यूटेशन केस में उसको किस चीज की जरूरत है, किसी चीज की जरूरत नहीं है।
मोस्ट प्रोबेबली वो P2 उस रिसेप्टर को एक्टिवेट करवाता अगर ये नॉर्मल पाथवे होता तो, बट ये रिसेप्टर तो खुद ही एक्टिव है बिना किसी की मदद के, तो अब इसको किसकी जरूरत पड़ेगी? किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका, दैट इज आंसर 4। ओके, अगला सवाल, मोस्ट प्रोबेबली ये लास्ट क्वेश्चन होगा और एक क्वेश्चन में होमवर्क में दूंगी आपको। चलिए मीमूना, दैट्स ग्रेट, पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। ग्रेट काजल, MS डिफॉल्ट फेट है, अगर MS को कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा तो वो डिफॉल्ट फेट लेगा, लेकिन अगर आप जबरदस्ती उसमें एक रिसेप्टर एक्टिवेट करवा देते हैं, वो भी म्यूटेशन केसेस में, ताकि वो रिसेप्टर लगातार एक्टिव रहे, तो वो अपना डिफॉल्ट फेट भी नहीं ले पाएगा। उस टाइम पे वो ई बनाएगा। डिफॉल्ट फेट कब आएगा? जब कुछ नहीं मिला है, उसके पास कोई काम नहीं बचा है, तो वो एक रास्ते में चला जाएगा डेवलप होने के लिए। लेकिन जब वो डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, उस टाइम पे आपने कुछ और उसके अंदर एक्सप्रेस कर दिया, तो वो उससे रिलेटेड फिर फिनोटाइप शो करेगा। ओके, चलिए इसका आंसर दीजिए, देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला है। इन अ वाइल्ड टाइप सी एलिगन हर्माफ्रोडाइट, टू एडजेसेंट सेल Z1PPP एंड Z4AAA हैव द पोटेंशियल टू बिकम द एंकर सेल। दे इंटरैक्ट इन अ मैनर दैट कॉज वन ऑफ देम टू बिकम द एंकर सेल व्हाइल द अदर वन बिकम द प्रिकर्सर ऑफ यूटेरिन टिश्यू। द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर गिवन टू डिस्क्राइब द इंट्रैक्शन ऑफ टू सेल। पूरी की पूरी कहानी एंकर सेल की देके रखिए, जो हमने ऑलरेडी पढ़ी है। आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट। पहला, द सेल सिक्रीटिंग लैग टू बिकम एंकर सेल। बिल्कुल सही, एंकर सेल बनने के लिए लैग टू चाहिए, यूटरिन सेल बनने के लिए लिंटवेल चाहिए। द सेल सिक्रीटिंग लिंटवेल रिमेन एज अ प्रिकर्सर ऑफ यूटरिन टिश्यू। बिल्कुल सही। द लिंटवेल सिक्रीटिंग सेल टेक द फेट ऑफ एंकर सेल। अरे भाई, अभी तो बोला यूटरिन टिश्यू बनेगा, तो ये कैसे, तो पूरा कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट हो गया, गलत। The hippokinase signaling pathway bring the lateral inhibition so that one cell is inhibited and the other cell is promoted to become the anchor cell. भाई, anchor cell के time पे हमने hippo signaling नहीं देखी थी, right? ये hippo signaling आपको trophoblast development case में देखने को मिलेगी, तो ये गलत हो गया। यहाँ पे हमने एक डेल्टा नॉज सिग्नलिंग देखी थी, जिसमें लैग टू एंड लिंट 12 काम कर रहे थे और उसके बाद वो फेट को रिस्ट्रिक्ट कर रहे थे। तो सी और डी गलत हो गया, ए और बी सही हो गया, दैट इज सेकेंड ऑप्शन सही हो। नॉलेज का दामन छूना हुआ आसान, फिर चाहे वो लेक्चरशिप या PhD का अरमान, हमारे पास है आपके हर एक मुश्किल का समाधान, हम पूरा करवाएंगे आपका हर वो अरमान। वेद में लेकर आया है डिटेल कोर्स फॉर CSIR 2024 एग्जामिनेशन, मिलेगा यहाँ आपको सब कुछ, न्यू पैटर्न के लेक्चर्स, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, PDF नोट्स और भी बहुत कुछ। वेद में, क्योंकि हर सपना हमारा है अपना। एनरोल नाउ एंड विजिट वेद में वेबसाइट एंड डाउनलोड द ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर। यूज करिए कोड WED20 फॉर गेटिंग द 20% डिस्काउंट। WED Me, एजुकेटिंग इंडिया। WED Me, एजुकेटिंग इंडिया।